अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो आपको व्हेल्स का मास्टर प्लान समझना होगा। बिटकॉइन जो 66-67,000 डॉलर्स के आसपास चल रहा है, आने वाले दिनों में 70,000 डॉलर्स के ऊपर जाएगा, फिर 72,000 और 75,000 डॉलर्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे, और हो सकता है कि 84,000 डॉलर्स का मार्क भी यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि व्हेल्स का मास्टर प्लान ही कुछ और है। और अगर आपने व्हेल्स का मास्टर प्लान समझा तो आज की वीडियो में जो ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने वाला हूं, वहां से हम 10x से लेकर 100x का प्रॉफिट बनाएंगे। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि उन लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग नहीं की। बहुत सारे लोग इस बात की चिंता में हैं कि उन्होंने बाइंग की तो थी बट बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया। आने वाले दिनों में क्या होगा? बिटकॉइन है कि ऊपर चलता ही जा रहा है। दोस्तों, इन सारे के सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा, बट कंडीशन एक है, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करना होगा। बिटकॉइन देखते ही देखते 69,000 डॉलर्स को टच कर गया और अपना पुराना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी तोड़ चुका है। इस समय पर 66-67,000 डॉलर्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। आज सुबह से ही ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी खासी रैली दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग जो ऑल्ट कॉइन्स में इंतजार कर रहे थे कि जब ये डंप हो गए तब बाय करेंगे, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, यहां पर व्हेल्स का मास्टर प्लान कुछ और है। व्हेल्स बेसिकली एक फोमो क्रिएट कर रही है, जिस फोमो में वो आपको ऑल्ट कॉइन्स महंगे भाव पर चिपकाना चाहती है, और उनका एक ही कोशिश है कि पहले तो आप ऑल्ट कॉइन्स को महंगे भाव पर बाय करें और उसके बाद जब मार्केट डंप हो तो आप घबरा कर उसे वापस से बेच दें जब मार्केट वापस से एक यू कर्व लेगी। आइए समझते हैं कैसे। इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस 66-67,000 डॉलर्स के आसपास चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में आपने देखा होगा सुबह से ही 10% से लेकर 50% के आसपास का अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी पंप आ चुका है। अब बिटकॉइन क्या करेगा? यहां से 69,000 डॉलर्स और 70,000 डॉलर्स तक मूव करेगा, उसके बाद 72,000 डॉलर्स के ऊपर मूव करेगा और फिर 75,000 डॉलर्स के आसपास मूव करेगा, जो कि अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है। जब ऐसा मूव आएगा तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी जबरदस्त रैली पकड़ेंगे। हो सकते हैं कि अभी के प्राइसेस से 2x से लेकर 3x के आसपास पंप हो जाए। यहां पर देखते ही देखते जो लोग हैं वो अपनी ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि अपने इनिशियल प्राइस से 5x से लेकर 20x के आसपास पंप हो चुके हैं, बट अभी 2x से लेकर 3x अभी के प्राइसेस से पंप हो रहे हैं। जब ये बाइंग कंटिन्यूअसली आना स्टार्ट हो जाएगी तो मार्केट में अगर आप इस समय पर इंडेक्स भी चेक करेंगे तो आपको एक्सट्रीम ग्रीड नजर आएगी। यहां पर जो पॉइंट वैल्यू है वो 80% से ऊपर चल रही है। अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, अकॉर्डिंग टू जो बड़े बड़े हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, मार्केट यहां से डंप होनी चाहिए, बट मार्केट हमेशा ऑपोजिट काम करती है, सो दैट वहां पर वो फोमो क्रिएट कर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को वहां पर एंगेज कर पाए। हॉल्विंग से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़े, बट इस बार तोड़ा। इस बार सारी की सारी कंडीशंस ऑपोजिट मूव कर रही हैं और इस बार ये भी चांसेस हैं कि बिटकॉइन 75,000 डॉलर से लेकर 84-85,000 डॉलर तक मूव कर सकता है, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ी बाइंग आएगी और उसके बाद हमें यहां पर एक फ्लैट क्रैश दिखाई देगा, जिसे हम एक फ्री फॉल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि वो फ्री फॉल होगा कितना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मुताबिक वो फ्री फॉल 50 से लेकर 55,000 डॉलर्स तक आ सकता है, बट जो कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं और जो कुछ आर्टिकल्स इस समय पर मार्केट में आ रहे हैं उनके मुताबिक ये जो फ्री फॉल होगा 60,000 डॉलर से लेकर 65,000 डॉलर्स के बीच में लैंड करेगा, और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो वापस से अराउंड 30-40% अपना जो टॉप लगाएंगे वहां से करेक्ट करेंगे और उस प्राइस के ऊपर स्टेबल होंगे। हाविंग के बाद मार्केट में एक तेजी नजर आएगी, जहां पर 1 से लेकर 2 महीनों के अंदर अंदर बिटकॉइन वापस उसी प्राइस के ऊपर चला जाएगा जो कि हाविंग से पहले टॉप लगाएगा। इन सारे के सारे पॉइंट्स को समझना जरूरी है अगर आप ऑल्ट कॉइन मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। अब सवाल आता है तीसरा, कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो इसी प्रकार से मूव करेंगे, व्हेल्स की मूवमेंट को पकड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा जो जो ऑल्ट कॉइन बताने वाला हूं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप बाय करेंगे। आज से पहले भी हमने 6 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी जहां पर लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फिर से किस तरीके से आप वहां पर बना सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी ज्वाइन करें। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है पिक्सल। ऑलरेडी हमारी बाइंग से इस समय पर हम 20-25% पंप चल रहे हैं ऊपर है, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बट ये प्रोजेक्ट आप अपनी लिस्ट में लिख कर रख लीजिए या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रोजेक्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है वो है स्टॉकनेट। स्टॉकनेट के साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है बट प्रोजेक्ट सॉलिड है, आने वाली बुल रैली में पक्का मूव करेगा। अगला प्रोजेक्ट आता है मेरी लिस्ट में पोर्टल।
पोर्टल एक शानदार प्रोजेक्ट है। पोर्टल की बात करें तो पोर्टल हमने एवरेज बाइंग अराउंड $2 के आसपास की थी, अभी $2.23 के आसपास चल रहा है। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली का जेम साबित होगा। मेरा टारगेट $22-$35 के आसपास का है, बट मे बी ये इससे भी ज्यादा मूव करें क्योंकि प्रोजेक्ट में दम है, सारी की सारी चेन्स को कनेक्ट कर रहा है गेमीफाई के लिए। अगला प्रोजेक्ट आता है XAI। XAI के बारे में तो आपको पता ही है, आर्बिट्रम का लेयर 3 प्रोजेक्ट है। बहुत डिप में हमने बाय किया था, $1.50 के आसपास चल रहा है, हम ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। बट XAI का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में आप डेफिनेटली ऐड करेंगे। अगला प्रोजेक्ट आता है स्लीपलेस AI। आपको पता होगा हमने $1 के आसपास बाइंग की थी, अभी हम 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट में है। बट XAI अराउंड $15 के आसपास का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी सुपर सॉलिड है, मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा। एक प्रोजेक्ट है जीतू, सोलाना का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, हमारी मेजर बाइंग $1.1-$1.2 के आसपास की है। प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर रखें, ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बाय करेंगे। कब बाय करेंगे इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऑन्डो $0.6 आ चुका है, हमारी एवरेज बाइंग $0.22 के आसपास की है, प्रोजेक्ट सॉलिड है। बहुत सारे लोगों ने तो स्कैम बोल दिया था, बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हो। आप पता क्या बोलते हो, स्कैम बोलकर ना आप लोगों को नेगेटिव नहीं कर रहे, आप खुद को भी नेगेटिव कर देते हो। आप चीजों को समझो। बहुत सारे लोग बोले अरे स्पॉन्सर्ड, अरे भाई $1 बिलियन प्रोजेक्ट है ये, स्पॉन्सर तो बहुत दूर की बात है, इस प्रोजेक्ट को अप्रोच करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगला प्रोजेक्ट है पाइथ, हमने बहुत डिप में बाय किया, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ स्टेकिंग लगा रखी है इसकी अदर प्रोजेक्ट्स का एयरड्रॉप लेने के लिए, प्रोजेक्ट सॉलिड है। अगला प्रोजेक्ट आता है जुपिटर, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, अभी काफी डिप लगाकर अच्छे खासे प्राइस के ऊपर चल रहा है, 18% तो आज ही पंप हुआ है, बट प्रोजेक्ट हम डेफिनेटली बाय करेंगे। अगला प्रोजेक्ट आता है मेरा फेवरेट, मेरे टॉप 5 में आने वाला, मानता हूं कि $60-$70 के आसपास जाएगा, $3 के आसपास चल रहा है, हम सब लोगों की एवरेज बैंक $2-$2.2 की है और हम अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है सुई, ये पक्का बाय करिएगा। सुई के इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना आज के डेट में, बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप्स अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखें ना तो आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। सुई जितनी डेवलपमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने बहुत डिप में बाय किया हुआ है, हम ऑलरेडी 3x के आसपास प्रॉफिट में सुई में ऑलरेडी बना चुके हैं, बट सुई अभी भी पोटेंशियल रखते हैं कि ये $10 से ऊपर निकल जाएगा, सुई डेफिनेटली यहां पर देखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है अभी, अरे इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की, CSEI, मैं इसका बॉटम बायर हूँ, तुक्के से बाइंग की थी और तुक्के से प्रॉफिट बन गया और ऑलरेडी मैं 7x के आसपास के प्रॉफिट में हूँ, $1 को भी हाल ही में टच कर आया था और ये 6-7x हो चुका है। मैं मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएगा और वहां पर अगर इस प्रोजेक्ट में बनाते हैं तो ये $20 से ऊपर प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट दे सकता है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट है, मैं मीम कॉइन अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ और इसको और बाय करूंगा, वो है मीम टोकन। नाम से मीम है बट मेरी बात मानिएगा, बैकर्स भी मीम नहीं है और ये प्रोजेक्ट भी मीम नहीं है, प्रोजेक्ट सुपर सॉलिड है, करेगा कुछ नहीं बट हाइप सबसे ज्यादा रहेगी, $0.03 से चल रहा है बट सप्लाई मीम टोकन्स की बात करें तो 69 मिलियन सप्लाई है, सॉरी 69 बिलियन है। मैं मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आसानी से $5 से ऊपर निकल जाएगा और देखते ही देखते निकलेगा, ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट भी मीम टोकन है, डॉज विफ हेड। अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी को यूज करते, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉटम के अंदर बिड लगाकर रखनी है, मैंने लगाकर रखी 1.2 के ऊपर बाय होगा और ऑटोमेटिकली मैं एक दिन के अंदर अंदर जबरदस्त प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अगला प्रोजेक्ट आता है गेमिंग इंडस्ट्री का है, लेयर 2 प्रोजेक्ट है, गेमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इसकी चेन पे ऊपर डेवलप हो रहे हैं, वो है म्यूटेबल एक्स IMX। अगर ये आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मेक श्योर करिएगा, $15 का टारगेट मेरा है। अगला प्रोजेक्ट आता है DYM डायमेंशन, प्रोजेक्ट का बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप मिला, प्रोजेक्ट सुपर सॉलिड है, यूज केस भी अच्छा है, बहुत सारी पार्टनरशिप्स कर रहा है, सेलेस्टिया की तरह इस समय पर अपना यूज केस बना रहा है, जो लोग भी इस टोकन को स्टेक कर रहे हैं आने वाले दिनों में हो सकता है उनको एयर ड्रॉप भी मिले जिस तरह से पाइथ और अदर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, बट इनकी लॉन्चिंग की इतनी हाइप है, इनका यूज केस इतना सॉलिड है, टीम सुपर एक्टिव है, मैनेजमेंट प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी एक्टिवली काम कर रही है, हर तरफ प्रमोशन दिखाई दे रही है, प्रोजेक्ट में जो कम्युनिटी साइज भी देखेंगे वो भी तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली के जंप साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें किस प्राइस के ऊपर बाय करना है। अगर तो आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है तो गलती से भी मत बेचिएगा, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे, आप वापस बुक कर लो और बाद में वो प्राइस ही ना मिले, इस वजह से आप छोटी सोच रखकर मत एंट्री लीजिएगा। अगर आपके पास है वेट करें, 1.5-2 सालों का ये अच्छा प्रॉफिट देंगे। दूसरी कैटेगरी वो है जिन लोगों ने अभी तक बाय ही नहीं किया। मैं मानता हूं कि अब ये रैली पर्टिकुलरली जिस करंट फेज में हम चल रहे हैं ये आपके हाथ से निकल चुकी है, आपको कोई बोले ये वो अल्टीमेटली लॉस होगा।
अभी थोड़ा सा वेट करें। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ये वेट होगा हाविंग और हाविंग के बाद 15 दिनों तक का। अगर वहां तक आप वेट करते हैं तो मैं मानता हूं कि इन प्रोजेक्ट्स में आज से हाविंग के 15 दिनों तक किसी भी समय पर हमें 20-30% के आसपास का डिस्काउंट, यानी कि अभी के प्राइसेस से डंप आसानी से मिल सकता है, और वो होगा हमारे लिए परफेक्ट बाइंग जोन। और उस समय पर गलती मत कर लीजिएगा, सिप लगा लूंगा, थोड़ी सी अब बाय कर लेता हूं, थोड़ा सा बाय बाद में बाय कर लूंगा। मेक श्योर उस समय बड़ी क्वांटिटी, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सिंगल शॉट में इन्वेस्ट करें। तीसरी कैटेगरी वो है जो थोड़े से रिस्क टेकर है, यानी कि वो रिस्क ले सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। उनके लिए एक सुजेशन है कि अगर आप एग्जाम्पल 100 रुपए डायमेंशन में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप क्या करें, 40 रुपीज आज के प्राइस पर इन्वेस्ट कर दें। 30 रुपीज जैसे ही 10-15% का डंप मिलता है वहां पर इन्वेस्ट कर दें, और बचे हुए 30 रुपीज अगर आपको डंप मिलता है 20-25-30% के आसपास का, वहां पर इन्वेस्ट करें। इस तरीके से हम एक एवरेज आउट कर लेंगे और इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक अच्छे प्राइस के ऊपर बाय भी कर लेंगे, और अपने रिस्क रेशियो जो है हमने अभी 40% पर बाय कर वो भी खत्म कर ली, कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से प्रोजेक्ट छूट ही जाए। फोर्थ कैटेगरी भी है, अगर आपके हाथ से ये पूरी की पूरी रैली छूट गई है, साइड पर रख दो। अगर आपको लगता है कि मैं इनको ऑल्टकॉइन्स में बाय नहीं करूंगा, ये ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आपको पता है कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आप एक प्रोजेक्ट है एवो, अभी बायनास के ऊपर लॉन्च पैड के ऊपर आया, अभी लिस्ट नहीं हुआ, उसको बाय करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट हम बाय करेंगे, पार्सल आ रहा है एक प्रोजेक्ट। तीसरा आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, एटेंगल फाई आ रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आए नहीं है, मतलब उनका बॉटम क्या है, उनका टॉप क्या, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इनमें आप बाइंग बनाएंगे और आने वाली बुल रैली में हम यहां से एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जब भी आपको करनी है, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मेक श्योर आप खुद भी सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट ये सारी की सारी चीजें इतने अच्छे से डेवलप हो रही है, मैं मानता हूं कि आने वाली बुल रैली इन सब चीजों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। हां, हो सकता है कि इन सारे के सारे ऑल्टकॉइन्स में से एक दो ऑल्टकॉइन ना चले, बट मेजोरिटी ऑल्टकॉइन्स हमें एक डिसेंट प्रॉफिट दे सकते हैं। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, यूज केस, मार्केट कम्युनिटी सुपर सॉलिड है। अगर आपको लगता है कि इनमें से मैं कोई प्रोजेक्ट भूल गया हूं, मैंने मिस कर दिया, मैंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करें, हम वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे कि वो प्रोजेक्ट होना चाहिए था या फिर आप कोई गलती कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बाय कर। बट इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत सारी रिसर्च की है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने हर एक क्रिप्टो दोस्त के साथ शेयर करना है जो क्रिप्टो में काम तो करता है बट कभी प्रॉफिट नहीं बना पाता, या फिर क्रिप्टो में काम तो कर रहा है बट बुल रैली में एक बड़ा सपना बनाया हुआ है कि क्रिप्टो से पूरा होगा, तो ये वीडियो उसके लिए एक मददगार साबित हो सकती है। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय।